सरकार ढोल पीट रही है कि पलायन रुक रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सुविधाओं के अभाव में जी रहे गांव के लोगों के पांव के छाले सरकारी दावों की पोल खोल रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल के ब्लॉक कलजी खाल का थापला गांव सड़क से 2 किलोमीटर की पैदल दूरी पर है। आधे से अधिक गांव यहां अब तक पलायन कर चुका है, जबकि शेष गांव वालों की जिंदगी तूफानों से घिरी हुई है। गांव का पैदल रास्ता भी इतना भयानक है कि फिसलते ही दुर्घटना होना तय है। यहां गांव में सड़क को स्वीकृति तो मिली, लेकिन सड़क निर्माण आज तक शुरू नहीं हो पाया है और कारण बजट का अभाव बताया जा रहा है। वहीं इस गांव के 2 प्राइमरी स्कूल भी बंद की कगार पर है। ऐसे में सुविधाओं से जूझते इस गांव की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे सरकार की दलीलों की पोल खुलती नजर आ रही है। हमारे यहाँ तो ना तो रोड है, ना रास्ते है, ना पानी है, और हम क्षेत्र विधायक किसी के भी पास या प्रधान जी के पास वो कहते हैं कि आगे से पैसा नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें। एजुकेशन की व्यवस्था है ना, तो यहाँ रास्तों की व्यवस्था है, टीचर है तो तनख्वाह ले रहे हैं, अपने बैठे हैं बाजारों में, कोई कोई यहाँ खड्डे में है, कोई इंक्वायरी वाला तो कोई आता नहीं, आते हैं तो 3-4-5 किलोमीटर दूर है, तो कौन आएगा। यहाँ का विकास की समस्या ये है कि मैं नौली का रहने वाला हूँ और मेरे गांव में आपदा आई थी 2013 में, पानी नहीं बना, रास्ता नहीं बना, कोई बनकरणी नहीं मिली, जनता बड़ी परेशान है और हम लोगों ने कहाँ तक दाना, जनता इधर भाग रही है, कोई डरिया है वहाँ पता ही नहीं लगता, तो अब हम किसके पास जाएं और किस से रिक्वेस्ट करें और कैसे अपने गांव वासियों का भला कर सकते हैं। ग्रामीणों की इस हालत पर अन्य लोगों को तो तरस आता ही है, लेकिन वोट लेकर कुर्सियों तक पहुंचे नेता बिल्कुल खामोश है और सत्ता काबिज करने के लिए एक बार फिर वोट मांगने पर स्थिति सुधारने की दलीलें पेश कर रहे हैं। ये जो ये कुनकुली बराली ये पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, यहाँ तक न तो कोई रोड है, यहाँ के लोगों की स्थिति आप देखोगे तो बहुत दयनीय है। बाकी जो लोग थे वो तो यहाँ से पलायन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब कोई रहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न तो रोड है, न पानी है, न रास्तों की इतनी बड़ी दिक्कतें हैं कि कहीं झाड़ी से तो कहीं जाने का रास्ता है ही नहीं। कर्मचारी वर्ग तो उनको पता भी नहीं है कि कर्मचारी कौन है, अधिकारी वर्ग कौन है, कोई यहाँ पे कभी किसी भी इंसान को यहाँ पे कोई सुध लेने नहीं आता है। विधायक तो कभी आते ही नहीं है यहाँ पे, विधायक लोग तो सांसद हो, विधायक हो, कोई जिला पंचायत तक वो इस क्षेत्र का भ्रमण करने नहीं आते हैं। गांव में मूलभूत सुविधा पाने के लिए ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को चुनकर सत्ता तक तो पहुंचा देते हैं और उम्मीद करते हैं, ख्वाब देखते हैं बदलाव की, लेकिन हकीकत में सत्ता ही बदली, गांव की तस्वीरें नहीं बदली। देवभूमि न्यूज के लिए पौड़ी से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट।